हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। और ये कारगिल है जिसको हमने सिर्फ कारगिल वॉर के नाम से ही सुना होगा, लेकिन ये देखने में बहुत ही खूबसूरत है। और ये कारगिल शहर है जो भी आप देख रहे हो। तो आज मॉर्निंग हम 5 बजे ही जहाँ से निकल गए कारगिल से लेके, और अभी हमने तकरीबन 20-25 किलोमीटर का सफ़र ही तय किया होगा कि हमारी गाड़ी थोड़ी हमें हीटअप होती लग रही है। तो हमने देखा कि मे बी ये ऑक्सीजन की कमी करके हुआ होगा, लेकिन जब हमने चेक किया तो इस गाड़ी में जो रेडिएटर में जो पानी डालते हैं वो पानी बिल्कुल सूख चुका था। हमने पानी चेक ही नहीं किया, उसकी वजह से बिना पानी के गाड़ी चलती गई और इसमें अभी इंजन थोड़ा गर्म हो गया। और अभी सूरज निकल चुका है और सूरज की किरणें जब इन पहाड़ों पर पड़ रही हैं तो जो आसपास का व्यू है बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। और आप भी जो अपनी गाड़ी में इस साइड आएँ तो सारा कुछ अच्छे से चेक कर कर आएँ कि रास्ते में आपको कोई प्रॉब्लम ऐसी ना आए। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको वो हर एक चीज़ के बारे में बताऊँगा जो आपको रास्ते में आए। और अभी हम मलवख गाँव में आ चुके हैं जो कारगिल से तकरीबन 36 किलोमीटर की दूरी पे है, फुलबेक मॉनेस्ट्री में। जो आकर्षित का केंद्र है वो है महात्मा बुद्ध की 30 फीट ऊंची मूर्ति जो कि एक चट्टान पे उकेरी गई है। और कहा जाता है इसके बारे में कि ये 8वीं सदी में बनाई गई थी और इसके ऊपर खरोशती लिपियां भी पाई गई हैं। कारगिल से चले थे और अभी हम फुलबेक होते हुए खलसी में हम रुकेंगे ब्रेकफास्ट के लिए। तो इन सभी रास्तों से होते हुए हम ले पहुंचेंगे। और ये मैकेनिक है, इसका नाम है नूरबू और इसका नंबर मैंने सामने दिया हुआ है नीचे। यहीं आपको जरूरत पड़ जाए मैकेनिक की तो आप इस नंबर पे कॉल करके इससे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने अपनी गाड़ी इससे चेक करवाई थी रास्ते में। तो जो अभी हम चाय कॉफ़ी के लिए जहाँ पे रुक गए, आप भी यहाँ पे चाय कॉफ़ी की आपको काफ़ी शॉप यहाँ रास्ते में मिल जाएंगी इजीली। अभी हम नमेकला पास पर पहुँच चुके हैं। वो जो सामने पहाड़ी दिखाई दे रही है वो नमेकला पास है और इसकी हाइट तकरीबन 12,198 फीट है। अभी हम थोड़ा सा उससे पीछे रुके हुए हैं क्योंकि इस जगह से जो व्यू दिखाई देता है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। इस पॉइंट से इन पहाड़ों को देखने का एक अपना ही अलग मजा है। रोड पे सामने शायद आपको एक गाड़ी दिखाई देती होगी जाती इन पहाड़ों में, और ऐसी सड़क बनाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये डिफेंस रोड है और बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसे देखती है। और अभी हमने नमेकला पास पार कर लिया है जहां पे आप ज्यादा देर ना रुकें क्योंकि जहां पे ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम है, और कोशिश करें कि जहाँ से जल्दी निकल जाएं। यहाँ पर अभी बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंड है और यह पहाड़ पूरी तरह बर्फ से लदे हुए हैं और हवा बहुत ही ठंडी चल रही है। और अभी हम पहुँच चुके हैं गांव खुद खबर को। नाम थोड़ा मुश्किल है पर हम कोशिश कर रहे हैं लेने की। और आप जब पहाड़ों में अकेले चलते हैं तो एकदम से आपको घर देखने को मिल जाए, लोग देखने को मिल जाए तो बहुत ही खुशी होती है। कुछ ऐसा ही हमारे साथ हो रहा है अभी। जब रास्ते में कोई लोग मिलते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है। और जब बिल्कुल सामने रेत के पहाड़ हैं
ये स्नोई डेजर्ट है। और इस जगह पे भी देखने के लिए मोनेस्ट्री है और वाइट वाइट कलर के शांति स्तूपा भी जहाँ पे बनाए गए हैं। आप चाहो तो जहाँ पे रुककर अच्छे से इनको देख भी सकते हैं। ले जाते हुए कई लोग जहाँ पर कुछ समय बिता कर जाते हैं। आपको जहाँ पर कुछ शॉप वगैरह भी मिल जाएंगी जहाँ से आप अपना कुछ सामान वगैरह खरीद सकते हैं, और ये पेट्रोल पंप भी जहाँ पे अवेलेबल है। और यह है द लामा यूरो मोनेस्ट्री, अपने आप में अद्भुत कला का नमूना और रहस्यमय गांव। देखिए यहाँ पे इन पहाड़ों को कोर कोर के इनके अंदर इन लोगों ने घर बनाया है, जो इनका पुराने ट्रेडिशनल घर है। कहा जाता है कि इस मोनेस्ट्री को 11वीं सदी में महासिद्धाचार्य नारूपा ने खोजा था। यह मोनेस्ट्री पहाड़ों पर 5 बिल्डिंग में बनी हुई और हर साल इस जगह पर लामा लोगों का एक फेस्टिवल होता है जहाँ पे ये लोग डांस करते हैं और बहुत सारे लोग इस फेस्टिवल को देखने के लिए आते हैं। इन लोगों ने इस जगह पे मिट्टी के पहाड़ों में पहाड़ों को कोर कोर के उनके बीच में ही घर बना लिए। जहाँ पर होटल वगैरह भी है, आपने जो एक रात जहाँ पे या दो रात स्पेंड करनी हो तो उसके लिए आपको यहाँ पे रूम वगैरह अवेलेबल है। दोस्तों लामा यूरो मठ को मून लैंड यानी कि चंद्रमा की धरती के नाम से भी जाना जाता है। इसका कारण यह बताया जाता है कि इसके आसपास वाले जो पहाड़ हैं वो चंद्रमा की तरह दिखाई देते हैं, इसलिए इसे मूनलैंड का नाम भी दिया गया है। लामा यूरो लद्दाख की सबसे पुरानी मोनेस्ट्री है और उसके साथ साथ ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत भी है। यह मोनेस्ट्री लद्दाख की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी मोनेस्ट्री है। और दोस्तों इस जगह का नाम है मूनलैंड और ये लामा यूरो गांव में ही पड़ती है। और अभी आप जो देख रहे हैं इन पहाड़ों को मूनलैंड के नाम से बुलाया जाता है। इनको चांद जैसी जमीन भी बोला जाता है। अभी हम जहाँ से गुजर रहे हैं तो सच में जहाँ पर पीली और सफ़ेद मिट्टी आपको चांद जैसी जमीन का एहसास दिलाएगी। और कहा जाता है कि जब फुल मून नाइट होती है तो ये पहाड़ पूरे चांद जैसे चमकते हैं। इन पहाड़ों की अपने आप में एक अलग ही शेप है और ये शेप ही इनको एक अलग पहचान देती है। ये देखने में बहुत ही सुंदर है। इस जगह की हाइट 3510 मीटर है और चांदनी रात में जब चांद की किरणें इस पर पड़ती हैं, यह पहाड़ भी चांद जैसे चमक उठते हैं। अभी जो आप रास्ते के किनारे किनारे ये फ्लावर्स देख रहे हैं, ये एप्रिकोट्स के ट्री हैं। और अभी हम खलसी पहुंचने वाले हैं और खलसी से ले की दूरी तकरीबन 95 किलोमीटर है। और अभी हम ये मिलन पंजाबी ढाबा है जहाँ पे हम रुक गए हैं, तो पहले हम अपना लंच करके जहाँ से फिर आगे जाएंगे। और खाना अच्छा था, क्वालिटी और प्राइस दोनों बिल्कुल सही थे।
लंच करने के बाद एक बार फिर हम अपनी रफ्तार में ले की ओर बढ़ते चले गए। वो एक बार फिर से ये रास्ता और पहाड़ और हम कहते हैं कि मंजिल से ज्यादा रास्तों का मजा होता है। और हम फिर से अपने रास्तों में खो गए। ये एक अपना अलग तरह का ही एडवेंचर है। इस जगह पे ऐसे पहाड़ आपने शायद ही पहले कहीं देखे होंगे, और बिल्कुल एकदम क्लीन पहाड़, ना कोई उनके ऊपर कोई ट्री है, ना कोई और, सिर्फ गंजे पहाड़ है। ये रास्ता बीच में कभी एकदम से डाउन हो जाता है पहाड़ों के नीचे, कभी एकदम से फिर हाइट में आ जाता है। और सच में ये पहाड़ और रास्ता अपने आप में हमें एक अलग एहसास करवा रहे हैं, और एक अलग एडवेंचर है जहाँ से जाना, इस रास्ते से निकलना बहुत ही कुदरत का कमाल है जहाँ पे, जो देखने लायक है। काफी चलने के बाद हम भी थोड़ा आर्मी वालों की गाड़ियां देख के उनके पास रुक गए। मुझे यहाँ पर एक टॉयलेट मुझे दिखाई दिया, तो ये जेंट्स के लिए है, तो मैं आपको कोशिश करूँगा दिखाने के अंदर क्या है, कैसा होता है। तो ये कुछ इस टाइप का है, जेंट्स टॉयलेट है। ये शायद पुराने टाइप के जो टॉयलेट हैं वो अभी तक भी इन लोगों ने संभाल के रखे हुए हैं, वो अपना कल्चर। इस साइड तो मैं नहीं जाने वाला। थोड़ा आगे चल के हमें कुछ गाड़ियां दिखाई थी, तो जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें पता चला कि ये चेक पोस्ट है। यहाँ पे जो सारे टूरिस्ट थे उनको एक साइड में उन्होंने खड़ा कर रखा था गाड़ियों, मतलब तो उनकी गाड़ियों को रोक रखा हुआ था। यह लद्दाख पुलिस चेक पोस्ट है, जहाँ पे हमें पुलिस वालों ने बताया कि आप पहले अपना परमिट और कोविड सर्टिफिकेट चेक करवाएं, और उसके बाद फिर हमारे पास आएँ, तो हम अपने कोविड सर्टिफिकेट और अपना परमिट चेक करवाने के बाद पुलिस वालों को अपनी गाड़ी का नंबर और जो भी फॉर्मेलिटी थी पूरी करने के बाद हम फिर से ले की ओर चल दिए। गाड़ी का नंबर लिखने के लिए। ये जो रिवर है इसको सिंधु रिवर बोला जाता है, इंडस रिवर भी इसकी कोई बोला जाता है, और ये आगे चल के पाकिस्तान में चला जाता है। अगर आप ले वाली साइड से इधर आना चाहते हैं तो आपको ले से काफ़ी टैक्सियां अवेलेबल हैं इधर आने के लिए, और कारगिल से भी ले के लिए काफ़ी टैक्सियां मिल जाती हैं। और कहा जाता है कि लद्दाख जाने का असली मजा मंजिल से ज़्यादा रास्तों में है। सुंदर पहाड़ और नदियां
हर किसी को अपना दीवाना बना दे। जहां आने का सही समय अप्रैल से जून महीने के बीच में बताया जाता है, क्योंकि इस टाइम सूरज की किरणों से जहां का टेम्परेचर थोड़ा गर्म हो जाता है, नहीं तो विंटर में जहां पे बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है और टेम्परेचर माइनस में तकरीबन रहता है, और इन रास्तों में कई फीट तक बर्फ पड़ जाती है और स्नो पड़ने की वजह से जहां पर आना बाय रोड नामुमकिन हो जाता है। लेह बाय रोड आने के दो रास्ते हैं, मनाली से ले और श्रीनगर से बाय कारगिल होते हुए ले, और इस जगह से ले की दूरी तकरीबन 44 किलोमीटर है। मनाली टू ले वाले रोड की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन यह वाला रोड बहुत अच्छा है। श्रीनगर टू कारगिल और कारगिल से ले जे वाला रोड काफी अच्छा है। बीच में थोड़ा सा रोड जो जुजीला का एरिया है उसको निकाल दे, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि श्रीनगर से ले आए और जाते टाइम ले से मनाली होके जाएं, इससे आप दोनों रूट को कवर कर लेंगे। अगर आप पहली बार ले जा रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि यह आपको लगेगा कि आप एक अलग ही प्लेनेट पे आ चुके हैं, जहां वनस्पति, लोग और नेचर, पहाड़, सब कुछ बिल्कुल अलग है, जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। यहां तक कि पशु पक्षी भी अलग है, वो भी इस एनवायरनमेंट के हिसाब से अनुकूलन हो चुके हैं। अभी हम निमो पहुंच चुके हैं। कारगिल के बाद हमें एक साथ ज्यादा बस्तियां, ज्यादा शॉप और ज्यादा लोग सिर्फ निमो में ही अभी दिखे हैं, और निमो में ही जस्कर रिवर और सिंधु रिवर का आपस में संगम होता है। निमो से ले की दूरी 37 किलोमीटर की रह जाती है, और अभी हम निमो को क्रॉस करके आ चुके हैं, जहां से निमो 3 किलोमीटर दूर है और ले की दूरी 35 किलोमीटर हो चुकी है, और वो सामने जो अभी आप देख रहे हैं जो सिंध रिवर है, और ये सामने संगम पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों नदियाँ आपस में मिलती हैं। हम वापस आके इस चीज को दिखाएंगे। और अभी हम ले के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके हैं, और जो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो और वीडियो देखने के लिए मेरे पेज को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और मैं आगे से कोशिश करूंगा कि मैं अपनी तरफ से और अच्छी वीडियो बना सकूं। थैंक यू।